अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। वी हैव स्टार्टेड अ यूनिट क्रिएटिंग चार्ट्स इन एक्सर 2013 एंड द टॉपिक इज कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट मीन्स कॉम्बिनेशन चार्ट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स। हियर इज अ क्वेश्चन, राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कॉम्बो चार्ट? कॉम्बो चार्ट क्या है? सो द डेफिनेशन इज अ कॉम्बिनेशन चार्ट इज अ सिंगल चार्ट दैट कंसिस्ट ऑफ सीरीज विच यूजेस डिफरेंट चार्ट टाइप्स। के जो कॉम्बिनेशन चार्ट होता है वो एक सिंगल चार्ट होता है जिसमें आप डिफरेंट जो से चार्ट टाइप्स हैं वो यूज कर सकते हैं, और इसमें जो सीरीज होती हैं वो हम एक से ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं। लाइक इसमें आप सेकेंड वैल्यू एक्सिस भी ऐड कर सकते हैं। दूसरे आप डिफरेंट चार्ट्स देख ले तो उसमें सिर्फ एक ही आपकी जो एक्सिस होता है वो उसकी वैल्यूज ऐड की होती हैं, लेकिन जब हमने कॉम्बो चार्ट बनाना था तो इसके लिए हमें टू वैल्यू एक्सिस की जरूरत होती है। ठीक है, इट मे इंक्लूड अ सेकंड वैल्यू एक्सिस। इसके पास सेकंड वैल्यू एक्सिस भी होती है। सो कॉम्बिनेशन चार्ट ऐसा चार्ट है जिसमें एक से ज्यादा जो आप चार्ट्स हैं वो यूज कर सकते हैं अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, so let's see practically how can we create a combo charts. First look at the picture. Yes, excel combo charts. इसमें आप देख सकते हैं कि एक से ज्यादा जो चार्ट टाइप्स है वो यूज की गई है। कॉलम चार्ट्स और लाइन चार्ट्स दोनों जो से वो यूज किए गए हैं। ठीक है, so let's move to the excel sheet. ये आपके पास डाटा टेबल है, हमने इसका कॉम्बो चार्ट जो सब वो क्रिएट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट इट, देन इंसर्ट टैब पे क्लिक करें। आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं, इसमें से हमने क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट जो सब वो सिलेक्ट किया है, तो आपके पास ये कॉलम चार्ट जो सब वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब देखें इसमें टेस्ट आपके मार्क्स टेस्ट वन के और टेस्ट टू के भी मार्क्स लिखे हुए हैं। जो ब्लू ये आपका बार है वो शो कर रही है टेस्ट वन को, और जो आपके पास ये ऑरेंज बार है ये टेस्ट टू के मार्क्स को शो कर रही है। इधर स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं डाटा में आपके टेबल में, और टेस्ट वन और टेस्ट टू के मार्क्स लिखे हुए हैं। अब हमने कॉम्बिनेशन चार्ट्स क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सेकेंड एक्सिस वैल्यू चाहिए, तो हम इसके सेलेक्ट करेंगे इसको। ओके, नाउ कम हियर सीरीज ऑप्शन पे क्लिक करें, तो आपके पास प्लॉट सीरीज जोन में ऑप्शन है प्राइमरी एक्सिस सेकेंडरी एक्सिस। आपको डबल चाहिए तो उसके ऊपर क्लिक करें, और ये देखिए आपके पास ये क्रिएट हो गया। ठीक है, सेकेंड आपके पास वैल्यू ऑप्शन की वो भी क्रिएट हो गई है। अब हमने दोबारा से इधर जाना है चेंज चार्ट टाइप पे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कॉम्बो चार्ट का ऑप्शन है। अब आप इधर से अपना वैल्यू चेंज कर सकते हैं, टेस्ट वन के लिए कौन सा चार्ट चाहिए और टेस्ट टू के लिए कौन सा चार्ट चाहिए। सो टेस्ट वन के लिए हमें लाइन चार्ट चाहिए। ओके, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन ओके, तो आप देख सकते हैं कि अब जो टेस्ट टू है वो आपको बार की फॉर्म में शो हो रहा है, लेकिन जो टेस्ट वन है वो लाइन चार्ट की फॉर्म में शो हो रहा है। ठीक है, यानी जो आपका कॉलम चार्ट, जो कॉलम आपका चार्ट है वो शो कर रहा है टेस्ट टू को, और जो आपका लाइन चार्ट है वो शो कर रहा है टेस्ट वन को। सो इस तरह एक कॉम्बिनेशन हो गया है टू चार्ट्स का। ओके, सो कॉम्बो चार्ट क्या होता है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स को यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन चार्ट्स में। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट द कॉम्बो चार्ट। आई होप सो यू विल ईजी अंडरस्टैंड इट। ओके, थैंक यू।